हेलो फ्रेंड्स, आपणको स्वागत करुछि स्टूडियो विथ रिंकु साहू चैनल रे। ए क्लास रे आमे पढ़िबा उपसर्ग, तद्धित एवं क्रोधंत विषय रे आमे ए क्लास रे पढ़िबा। एहा पर आपण यदि एबे पर्यंत स्टूडियो विथ रिंकु साहू चैनल को सब्सक्राइब करिनांती ताले सब्सक्राइब करंतु, एवं आपण यदि प्रतिदिन सीटीबीडी एग्जाम 2021 मसे पई प्रिपरेशन करुछंती ताले आमे चैनल को सब्सक्राइब करंतु। काहे कि ना आमे चैनल रे प्रतिदिन सीटीबीडी 2021 मसे पई प्रिपरेशन करा जाउछि एवं अन्यन एग्जाम रे मध्ये प्रिपरेशन करा जाउछि। तेनो एहि क्लास रे आमे पढिबा उपसर्ग, तद्धित एवं क्रोधंत विषय रे पढिबा। तेनो आरंभ करबा एहि क्लास को। प्रथमे पढिबा उपसर्ग विषय रे। नूतन शब्द गठन पई शब्दर पूर्व रे जोग करा जतवा प्रत्यय को उपसर्ग कहा जाए। आम जदि कौन नूतन सेन्टेन्स या पूर्व जो प्रत्यय जोग करवा नूतन शब्द गठन करवा ताए उपसर्ग कहा जाए। एवं यह उपसर्ग गुड़िक आगपटे लगी थाए बा पूर्व प्रत्यय अटे पूर्वपटे लगी थाए तेणु ताक पूर्व प्रत्यय कह जाए। नूतन शब्द गठन पर शब्दर पूर्व जोग कर प्रत्यय को उपसर्ग कहा जाए। शब्द ताए अर्थ प्रकाश करुवा गोटे वर्ण बा वर्ण मानकर समष्टि को शब्द कहा जाए। एवं ओडिया भाषा रे यही उपसर्ग संख्या होची 20 टी होची उपसर्ग अच्छी आम ओडिया भाषा रे। एवं से गुड़िक होची प्र, परा, अप, सम, नि, अधि, सु, निर, नि, दूर, दु, उत, अति, परि, प्रति, अब, अनु, बि, अपि, उप, अपि, आ। एहा होची 20 टी उपसर्ग। एवं उपसर्ग ताक कहा जाए नूतन शब्द गठन पर शब्दर पूर्व जोग कर प्रत्यय को उपसर्ग कहा जाए। एवं यह उपसर्ग संख्या होची 20 टी। एवं यहाँ यूजेस क्यों जगह रे यहाँ को यूज करा जाए ता विषय रे देखिबा क्यों क्यों अर्थर व्यवहारित हुए यह उपसर्ग गुड़िक। प्रथम देखा प्र उपसर्ग कौटार यूज हुए उत्कर्ष अर्थर यूज हुए उद्भव लगी थाए गति अर्थर लगी थाए यह प्र उपसर्ग। तापर देखा परा उपसर्ग प्राधान्य लगी थाए व्यतिक्रम अर्थर तिरस्कार आधिक्य उपसर्ग देखा प्रभाव लगी थाए प्रवाद लगी थाए प्रक्रिया प्रदान यही जगह मानक आधिक्य उपसर्ग लगी थाए। तापर नेक्स्ट देखा अप उपसर्ग अप उपसर्ग कौ जगार लगी थाए कुषित विरुद्ध वैपरीत्य मंद यही जगार अपसर उपसर्ग लगी थाए। नेक्स्ट देखा सम उपसर्ग सम्यक अर्थर सहित सामीप्य संगीति संभाषण संपर्क सम्मुख समुपस्थित संवाद यही मानक सम उपसर्ग लगी थाए। नेक्स्ट हूँ नि उपसर्ग सम्यक अर्थर कौशल सादृश्य कुषित यह उपसर्ग लगी थाए। नेक्स्ट हूँ अधि उपसर्ग श्रेष्ठ अधिकार जगार अतिक्रम अर्थर अधिराज अधिपति अधिकार अधिदेव अधिमास यही मानक अर्थर लगी थाए यह अधि उपसर्ग। तापर नेक्स्ट देखा सु उपसर्ग कौ जगार लगी थाए सु उपसर्ग मंगल कार्य सहज सुंदर यही मानक अर्थर सुउपसर्ग लगी थाए सुजोग सुदर्शन सुलभ संवाद यही मानक लगी थाए सुउपसर्ग। तापर देखा निर उपसर्ग यह इम्पोर्टाट अटे अभाव अतिशय निशेष निश्चय निसंदेह निर्मूल निर्णय निर्जल निरुपात निर्गत यही मानक लगी थाए निर उपसर्ग। एवं यह निर एवं यह दूर उपसर्ग इम्पोर्टाट अटे कहीं 2018, 2019, 2020 मसीह प्रतिवर्ष ही निर एवं दूर उपसर्ग रू पढ़ी क्वेश्चन। तापर नेक्स्ट देखा दूर उपसर्ग कौ जगार लगी थाए मंदर लगी थाए मंद अर्थर लगी थाए निंदा अर्थर दुखर लगी थाए निषिद्ध अर्थर लगी थाए। तापर दुर्भाग्य अर्थर लगी थाए दुर्गंध दुर्जन दुरा दुरा दुरारोग्य लगी थाए दुसाधर लगी थाए यही दूर उपसर्ग यह निर एवं दूर इम्पोर्टाट अटे। तापर नेक्स्ट देखा उत् उपसर्ग उत्कर्ष अर्थर अतिशय अर्थर निंदा अभाव विरुद्ध उन्नत उत्कर्ष उत्तप्त उच्छृंखल एवं उत्पाद यही मानक उत् उपसर्ग यही उत् इम्पोर्टाट अटे। तापर अति उपसर्ग कोटार लगी थाए देखा अनुचित समीप सरी असीम आधिक्य अतिक्रम अत्याचार अत्युक्ति अत्यंत यही जगह लगी थे अति उपसर्ग। नेक्स्ट देखा
परि उपसर्ग को जगार लगी थाए। परि उपसर्ग अतिशय अर्थरे शेष चतुर्दिग दोष दर्शन ए मान लगी थाए परि उपसर्ग। तापर नेक्स्ट देखा प्रति उपसर्ग को जगार लगी थाए समीपर लगी थाए परिवर्तन रे लगी थाए विपरीत अर्थरे सादृश्य पाश्चात्य एही मान परि उपसर्ग लगी थाए। नेक्स्ट देखा अब उपसर्ग को जगार लगी थाए अब उपसर्ग निश्चय लगी थाए घृणा निर्मम संवाद यही मान लगी थाए। अनु उपसर्ग देखा सदृश पाश्चात्य विपसार्थ लगी थाए समीप सहित यही मान लगी थाए यही अनु उपसर्ग। नेक्स्ट देखा बी उपसर्ग विपरीत लगी थाए विहीन लगी थाए बहु परस्पर विशेष यही मान लगी थाए बी उपसर्ग। नेक्स्ट देखा अभि उपसर्ग सम्मुख उत्तम चिन्ह सम्यक यह जगार लगी थाए अभि उपसर्ग। नेक्स्ट देखा उप उपसर्ग निकटे अधस्तन घृणा सादृश्य साहय यह मानक उप उपसर्ग लगी थाए। नेक्स्ट देखा अभि अपि यही भूषण में लगी थाए अपि उपसर्ग। यहाँ 20 उपसर्गर यूज नूतन शब्द गठन पर शब्दर पूर्वरे जोग कर प्रत्यय को उपसर्ग कहा जाए यह विषय आम जान लें। यह उपसर्ग संख्या होती 20 उपसर्ग यह विषय आम जान लें। तापर नेक्स्ट आम पढ़ा कृदंत विषय पढ़ा धातु सहित जदि प्रत्यय जोग हेले कह कृदंत धातु युक्त प्रत्यय ताक कह कृदंत धातु प्लस प्रत्यय प्रत्यय यहाँ कह कृदंत धातुयुक्त प्रत्यय कृदंत। नूतन शब्द गठन पर धातु सहित गोटे प्रत्यय युक्त होता है यह प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहुए। धातु सहित यह कृत प्रत्यय युक्त हो जो नूतन शब्द गठित हुए ताकू कृदंत कहुए। जदि धातु सहित प्रत्यय जोग करागले कृदंत कहुए। एग्जांपल देखा पढ़ युक्त इब पढ़ीब ये पढ़ीबा हूँ गोटे कृदंत। ये पट धातु एवं इब प्रत्यय ये पटा हूँ धातु एवं इबटा हूँ प्रत्यय पट धातु इब प्रत्यय जोग पढ़ी तेणु यह हूँ गोटे पढ़ीब हूँ गोटे कृदंत धातु युक्त प्रत्यय कृदंत कहुए। धातु ताहा को कहा जाए क्रियार मूलपिंड को धातु कहा जाए एवं धातु रे ही हलन चिन्ह थाए। देखिथिबे आपण प्रत्येक धातु रे मैक्सिमम धातु रे हलन चिन्ह थाए तेणु आम जान लें धातु युक्त प्रत्यय कृदंत कहा जाए। तेणु एग्जांपल देखा किसी तार प्रथम देखा क्रियापदरे पड धातु एवं इब प्रत्यय पढ़व होमती खस धातु एवं इला प्रत्यय खसिला होती यह क्रियापदरे पढ़व हो गोटे क्रिया खसिला होटे क्रिया जहाद्वारा आम कौन कार्यर जाणि था कहुए क्रिया। तापर विशेष पदरे गम युक्त ती गति होमती क्रु युक्त ज कार्य होमती जुज युक्त अग होमी गम युक्त तव्य गंतव्य विशेषण पदरे तापर क्रु युक्त अन्य करणीय होती अर्थात आम जान लाजे धातु युक्त प्रत्यय को कृदंत कहुए। तापर नेक्स्ट देखा आम तद्धित क्या कहुए तद्धित विषय पढ़ा नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग दिंतु तद्धित आम जान लाजे धातु युक्त प्रत्यय होता है कृदंत किंतु एवं शब्दयुक्त प्रत्यय शब्दयुक्त प्रत्यय को कहुए तद्धित शब्दयुक्त प्रत्यय को कहुए प्रत्यय शब्द सहित प्रत्यय जोग करा जाए जो प्रत्यय गठित करा जाए ताकु तद्धित कहुए। जमीक एग्जांपल देखा शिवयुक्त अ शैव यह हूँ गोटे तद्धित शैव शिवयुक्त अ शैव शब्द सहित प्रत्यय युक्त हेले ताकु कहुए तद्धित कहुए। तेणु एग्जांपल देखा यार किसी विष्णुयुक्त अ वैष्णव शिवयुक्त अ शैव
ସେମିତି ବସୁଦେବ ଯୁକ୍ତ ଅ ବାସୁଦେବ, ମନୁଯୁକ୍ତ ଅ ମାନବ, ପୃଥାଯୁକ୍ତ ଅ ପାର୍ଥ, ଭୃଗୁଯୁକ୍ତ ଅ ଭାର୍ଗବ। ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେବ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତଦ୍ଧିତ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଧାତୁ ସହିତ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେବ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କୃଦନ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଉପସର୍ଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଉପସର୍ଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ, ଏବଂ ଉପସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 20 ଟୋଟାଲ ଉପସର୍ଗ ହେଉଛି 20। ତେଣୁ ଉପସର୍ଗ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପାଇଁ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଉପସର୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବଂ ଏହି ଉପସର୍ଗକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଏହା ପ୍ରଥମରେ ଲାଗିଥାଏ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟଟି, ତେଣୁ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପାଇଁ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଉପସର୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବଂ ଏହି ଉପସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 20। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଧାତୁଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଆମେ କୃଦନ୍ତ କୁହାଯାଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଧାତୁଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ କୁହାଯାଏ କୃଦନ୍ତ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତଦ୍ଧିତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେବ ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ କୁହାଯାଏ କୃଦନ୍ତ କୁହାଯାଏ, ଏହା ବିଷୟରେ ସରି ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଆମେ ତଦ୍ଧିତ କୁହାଯାଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଉପସର୍ଗ, ତଦ୍ଧିତ ଏବଂ କୃଦନ୍ତ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ୱିଥ୍ ରିଙ୍କୁ ସାହୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।